गुड मॉर्निंग मॉडर्न चैम्स ऑफ क्लास थर्ड, हाउज यू ऑल? आई होप सो ऑल आर वेरी गुड एंड इंजॉइंग योर स्टडी वेरी वेल. डियर स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर 4, नाउंस काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिनको हम मेज़र करते हैं. मेज़र इट मीन दैट नापते हैं. तो वे सभी वस्तुएं जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाता है, और वे सभी वस्तुएं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते बल्कि हम उन्हें क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, इट मीन्स दैट नापते हैं, वो अनकाउंटेबल कहलाता है. हमने अब तक कितना पढ़ा है और एक एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया है. जिन बच्चों ने अभी तक एक्सरसाइज 1 को नहीं सॉल्व किया है वो इसके प्रीवियस वीडियो में जाएंगे और वीडियो को समझकर एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे. और एक्सरसाइज 1 को आप सॉल्व तब भी कर सकते हैं जब आप पार्ट 1 वीडियो को जल्दी से देखेंगे और समझेंगे. पार्ट 1 वीडियो को आप जाकर तुरंत देखिए और समझिए कि व्हाट इज़ द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं. आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं. आप सभी बच्चे बुक्स ओपन कर लेंगे और वीडियो को ध्यान से समझते हुए अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. सो डियर स्टूडेंट, टेक योर बुक एंड पेंसिल, लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली डियर स्टूडेंट, अंडरस्टैंड केयरफुली ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd. यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश नोटबुक योर ऑल होमवर्क एंड फिल ऑल्सो योर बुक, ओके. और एक्सरसाइज 2 में मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसको आप बुक में भी फिल कर सकते हैं. ध्यान देंगे, बुक में भी फिल कर सकते हैं और कॉपी में भी राइट कर सकते हैं. इसलिए सभी बच्चों को नो इशू. आप इनको क्या करेंगे, आपको वर्क कंप्लीट करके शो करना है. अब हम समझाने जा रहे हैं आपको, आप अच्छे से समझिए. सो डियर स्टूडेंट, ये आपका एक्सरसाइज 2 है. एक्सरसाइज 2 में पहले हम समझते हैं कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन है क्या. सो थोड़ा सा हम डेफिनेशन की ओर फिर से चलते हैं. डेफिनेशन को एक बार रीड करेंगे, फिर से हम एक्सरसाइज 2 को कनेक्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट, काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स वी कैन काउंट. वे सभी थिंग्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं, ओके. एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स वी कैन नॉट काउंट. वे सभी थिंग्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं. बट वी मेजर देम इन द फॉलोइंग वे. इट मीन्स दैट हम अनकाउंटेबल नाउन को, अनकाउंटेबल थिंग्स को मेजर कर सकते हैं, नाप कर सकते हैं. जैसे हम 1 कप ऑफ कॉफ़ी, 1 वाटर ऑफ ग्लास, सॉरी 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड 1 जग ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ केजी ऑफ मीट, अ पीस ऑफ चीज़, अ बोल ऑफ शुगर, राइस. ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, मेज़रमेंट कर रहे हैं, नाप रहे हैं. बोल से हमने राइस को नाप लिया, शुगर को नाप लिया, ग्लास में वाटर को, ग्लास के अकॉर्डिंग हमने वाटर को मर्ज कर लिया, और इसी तरीके से ब्रेड को हमने स्लाइस में डिवाइड कर लिया. इट मीन्स एंड ये हम मेज़रमेंट कर रहे हैं. अब एक्सरसाइज 2 में आपका यही है. आपके एक्सरसाइज 2 में क्या है, पहले मैं आपको एज अ लाइन थ्रू समझाऊंगी, फिर उसके बाद से हम एक्सरसाइज को मिलकर सॉल्व कर देंगे. क्या है एक्सरसाइज 1 2, राइट वेदर द अंडरलाइन नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल. बच्चों, आपको काउंटेबल नाउन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, सी से, एंड अनकाउंटेबल नाउन को यू से, ओके. इट मीन्स दैट हम सी से इंडिकेट करेंगे काउंटेबल नाउन को और यू से इंडिकेट करेंगे अनकाउंटेबल नाउन को. समझ में आ गया बच्चों, ओके. अब चलिए अब हम देखते हैं. आई डोंट लाइक कॉफ़ी. अब देखिए यहाँ पे बच्चों, लाइन से बहुत सारे नाउन्स जो हैं वो दिए गए हैं. उन सभी नाउन्स को आप देखेंगे, जैसे कि कॉफ़ी अंडरलाइन किया गया है, बटर, केक्स, विंडोज, ग्लू, टी, ठीक है, वेस, मिल्क, स्टूडेंट्स, सिस्टर, ब्रेड. अब ये सारे जो अंडर
अंडरलाइन चीज़ है बेटा, ये क्या है आपकी नाउंस हैं, ठीक है। कुछ अनकाउंटेबल है, कुछ काउंटेबल है। अब जो काउंटेबल है उनके आगे सामने आप काउंटेबल के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे सी से, और जो अनकाउंटेबल नाउन थिंग्स है उसको आप यू से आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं एक दो आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, उसके बाद से मैं सारे एक्सरसाइज को रीड करूँगी, आप स्वयं खुद से योर सेल्फ सॉल्व करके दिखाएंगे। आई डोंट लाइक कॉफ़ी। बच्चों ये आपका कप है, अब इसमें कॉफ़ी है। अब कॉफ़ी को हम काउंट कर सकते हैं, वन ड्रॉप कॉफ़ी, टू ड्रॉप कॉफ़ी, नो। हम इसको मेज़र कर सकते हैं, इट मीन्स दैट हम इसको क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि वन कप कॉफ़ी मतलब एक कप कॉफ़ी। तो कॉफ़ी को हमने कप से नाप लिया, तो ये क्या हो गया है आपका अनकाउंटेबल। क्या हो गया है आपका अनकाउंटेबल। तो आप अनकाउंटेबल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यू से। अब इसी तरीके से माय फादर यूज बटर फ्रॉम केक। अब बटर और केक को हम तो काउंट नहीं कर सकते, तो बटर को हम स्लाइस में कहेंगे, पीस में कहेंगे, ओके। सो यहाँ पे आपका बटर और स्लाइस केक क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। इसी तरीके से देयर आर अ लॉट ऑफ विंडोज़ इन आवर क्लास रूम। अब विंडोज़ जो है, विंडोज़ को आप काउंट कर सकते हैं, इट मीन्स दैट वन विंडो, टू विंडो, यस हम विंडोज़ को काउंट कर सकते हैं। आपके क्लास में, आपके रूम में कितने विंडोज़ हैं आप काउंट करके बताइए। आपने काउंट कर लिया, किसी के रूम में टू विंडो है, किसी के फोर है, इट मीन्स दैट आप विंडो को काउंट कर पा रहे हैं। तो ये आपका कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। अब इसी तरीके से आपका डी क्या है, आई नीड सम ग्लू टू फिक्स द स्पेस। अब ग्लू को तो हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम अमाउंट में ले सकते हैं, अमाउंट इट मीन दैट मेजर करते हैं, इसलिए आपका क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। आई प्रिफर टी, ठीक है, टी, टी को भी हम क्या कप से मेजर करते हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, वन स्टूडेंट, टू स्टूडेंट, थ्री स्टूडेंट, फोर स्टूडेंट, फाइव स्टूडेंट, एंड क्लास, वन क्लास, टू क्लास, क्लास को भी हम काउंट कर सकते हैं। सो आपका ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आई ड्रिंक टू ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे। अब यहाँ पे हम ग्लास को तो टू ग्लास बोल सकते हैं, लेकिन मिल्क को नहीं काउंट कर सकते, बिकॉज मिल्क क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, ओके, मेज़र करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। अब इसी तरीके से आपके दो और हैं, आई ड्रिंक टू ग्लास ऑफ मिल्क, तो मिल्क आपका अनकाउंटेबल। एंड ब्रेड, ब्रेड को हम स्लाइस में मेज़र करते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अनकाउंटेबल। डियर स्टूडेंट, अब आपको एक्सरसाइज इसी तरीके से सॉल्व करना है, वीडियो को समझना है, जो अंडरलाइंस नाउन है फिर से देखेंगे, जितने अंडरलाइंस नाउन हैं, जैसे कॉफ़ी, बटर, केक, विंडो, ग्लू, टी, क्लास, स्टूडेंट्स, मिल्क एंड ब्रेड एंड सिस्टर। तो इनके अकॉर्डिंग आपको सी से काउंटेबल, यू से अनकाउंटेबल आइडेंटिफाई करके सामने लिखना है, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से रीड करके इसको आप बुक में या फिर नोट्स में राइट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अंडरस्टैंड केयरफुली, इन्जॉय योर वीडियो, हैव अ नाइस डे।